इसी बीच एक बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी नेता जवाहर यादव ने एक विवादित पोस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जवाहर यादव ने विवादित पोस्ट किया है धार्मिक तौर पर, सोशल मीडिया पर यह विवादित पोस्ट किया है जवाहर यादव ने, और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो जवाहर यादव की तरफ से किया गया है। लेकिन हम साफ तौर पर आपको ये पोस्ट दिखा भी नहीं सकते क्योंकि बेहद आपत्तिजनक पोस्ट बीजेपी नेता जवाहर यादव की तरफ से किया गया है। लेकिन अब कई अहम सवाल बनते हैं कि क्या बीजेपी जवाहर यादव के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, क्योंकि बेहद विवादित पोस्ट ये जवाहर यादव की तरफ से किया गया है। और साथ ही हम आपको ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता जवाहर यादव की तरफ से पोस्ट किया गया। आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन क्या अब बीजेपी इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी, क्या बीजेपी अब जवाहर यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, ये यहां पर बेहद अहम सवाल है। धार्मिक तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट जवाहर यादव की तरफ से किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो विवादित पोस्ट है जो कि जवाहर यादव की तरफ से किया गया है सोशल मीडिया पर। धार्मिक तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट बीजेपी नेता जवाहर यादव की तरफ से, इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जवाहर यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस पोस्ट को शेयर किया है। सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक पोस्ट जवाहर यादव की तरफ से की गई है। ऐसे में बेहद अहम सवाल कि क्या अब बीजेपी जवाहर यादव के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, क्योंकि काफी आपत्तिजनक पोस्ट यह किया गया है। पवन सिवर संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, काफी ज्यादा आपत्तिजनक पोस्ट ये किया गया है, इतना ज्यादा विवादित है कि हम साफ तौर पर इसकी तस्वीरें दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते। बेहद अहम सवाल यहाँ पर ये है कि क्या बीजेपी इन पर कुछ एक्शन लेगी? जी बिल्कुल, हरियाणा के बीजेपी के बड़े नेता हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी भी रहे हैं जवाहर यादव, और ये पोस्ट जो है वो उन्होंने किया है और काफी विवादित ये पोस्ट कहा जा सकता है। जो अब समय है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है वो एक महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे में एक इस तरीके की पोस्ट करना कहीं ना कहीं जो है वो संवेदनहीनता की तरफ इशारा करती है। और जो सरकार लगातार कार्रवाई की बात कर रही है कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वाले या गलत जानकारी देने वाले या इस तरीके से पोस्ट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात हरियाणा के डीजीपी कर रहे हैं, तो अब इस मामले में भी सवाल उठ रहे हैं कि एक इतने बड़े कद के नेता अगर इस तरीके की पोस्ट करते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार और प्रशासन करेगा या नहीं। जी बिल्कुल पवन, एक जानकारी आ रही है कि पुलिस की तरफ से कुछ आदेश दिए गए हैं कार्रवाई के, क्या इसी मसले पर दिए गए हैं वो? देखिए, पुलिस ने तमाम जो है वो मामलों में कार्रवाई की बात की है और ये कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से कोई गलत कोरोना से संबंधित पोस्ट करने पे या जानकारी भ्रामक जानकारी फैलाने पर मामले दर्ज किए जाने की और कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन विशेष तौर पर इसी मामले में कोई कार्रवाई की गई हो या इसी मामले में कोई एक्शन लिया गया हो, पवन बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी नेता जवाहर यादव जुड़ रहे हैं, उनसे इस मसले पर हम बात करेंगे। जवाहर यादव जी, आपकी तरफ से एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, और जाहिर तौर पर आप जानते होंगे क्योंकि आप ही ने पोस्ट किया है, क्या कहें इसको, आप धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे आप? मुझे लगता है आपके शब्द आपत्तिजनक है। आपने पोस्ट किया है सर? नहीं, मैंने क्या लिखा है उस पोस्ट पर? जी, ऐसी पोस्ट सर आपने किया, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं आपने जो पोस्ट अरे किया। आप मेरे मन को आप मत बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस पोस्ट में क्या है ऐसा। सर आप सफाई दीजिए। अरे आप बताइए ना, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपत्तिजनक, मुझे आपत्ति तो बताइए पहले उसमें क्या है। सर आपको क्या, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कर लेती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ भी गलत पोस्ट किया है, आपने कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट किया है? मुझे नहीं पता ना आप किस पोस्ट की बात कर रहे हैं, मैं दिन में 50 पोस्ट करता हूँ। सर आपको कैसे नहीं पता, 4 घंटे पहले आपने एक पोस्ट किया है, कार्टून शेयर किया है, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट हम तो दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते हैं, धार्मिक तौर पर वो पोस्ट आपत्तिजनक है और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। किस चीज की धार्मिक क्या है उसमें, मैंने धार्मिक किसी धर्म का कोई नाम ले रखा है क्या, कोई टिप्पणी की है क्या किसी धर्म के बारे में? इसका मतलब मुझे लगता है आपको अपनी सोच ठीक करनी चाहिए कि आप किसी कार्टून में किसी धर्म को ढूंढ रहे हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, आपके तरफ से पोस्ट किया गया और आप ऐसा कह रहे हैं कि आपने वो पोस्ट किसी धर्म पर को लेकर नहीं किया है? मैंने तो किसी में नहीं किसी धर्म का कोई जिक्र नहीं है, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं रखा। चलिए चलिए आप बने रहिए, आपसे और भी सवाल करेंगे क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं।
पहले आप मुझे संतुष्ट कीजिए ना कि वो किसी धर्म से जुड़ती है। आपकी इसलिए मैं किस लिए वेट करूंगा, आप उसको नहीं बता पा रहे वो किसी धर्म से जुड़ती है। चलिए चलिए ज्वाहर यादव जी, जरा रुकिए, पवन सिवर हमारे सहयोगी जुड़े हुए इस वक्त, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, उनके जवाब आप दे दीजिए। जी जी कराइए। ज्वाहर जी, ये जो पोस्ट आपने पिछले करीब 4 घंटे पहले की है, ये पोस्ट आप नहीं मानते हैं कि जो इस तरीके का कार्टून शेयर करना, इस वक्त में कार्टून शेयर करना ठीक है, आप इसको उचित मानते हैं क्या? इस कार्टून को शेयर करना ही क्या उचित मानते हैं आप? कार्टून में क्या है वो तो बता दीजिए। आपने शेयर किया है, आप बताइए ना। अरे आप मुझे छोड़िए ना, आपत्तिजनक लगा क्या? चौहान जी आप बताइए ना कि आपने क्या शेयर किया जनता के लिए, बता दीजिए कि आपने कौन सा कार्टून शेयर किया, इसमें क्या पवन है? पवन जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया की सोच कितनी संकुचित है कि वो किसी कार्टून में किसी धर्म को ढूंढ रहा है, यही तो सांप्रदायिकता है, इसी से तो देश को बचाना है। जो आप लोग के अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति सर इस तरीके की सोच करता है वो संवेदनहीनता नहीं है, मीडिया उसको दिखा रहा है या बता रहा है, वो तो बाद में तब हुआ ना जब आपने वो पोस्ट किया। अगर आप वो पोस्ट करते ही ना तो मीडिया को करने की जरूरत क्या थी? अरे उसमें जनता टीवी को आपत्ति तो, अरे सर उसमें आपत्ति तो बता दो ना, आपत्तिजनक क्या है आप ये बता दीजिए ना सर कि अगर आपत्तिजनक नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि वो आपत्तिजनक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि वो आपत्तिजनक नहीं है? अरे आप मुझे छोड़िए, मेरा क्या मानते हो, आपको आपत्तिजनक किस आधार पे लगी वो मुझे बता दीजिए। मैंने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया और उसमें किस धर्म को मैंने अपमानित किया, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। एक सवाल यहाँ पर अहम है ज्वाहर यादव जी, उत्तर दीजिए ना, पहले सवाल ही करते रहेंगे, उत्तर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो पोस्ट विवादित नहीं थी, आपत्तिजनक नहीं थी, तो आपने उस पोस्ट को डिलीट क्यों किया ये बता दीजिए। अब ये तो आपको पता होगा कि कौन से पोस्ट को आपने डिलीट किया है। मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आप करेंगे क्या कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मतलब मैं क्यों बताऊँ आपको? चलिए ज्वाहर यादव जी, मुझे लगता है अभी आप इस पर कुछ सफाई देना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। पवन हमारे साथ कैप्टन अजय यादव पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, वो जुड़े हुए हैं। कैप्टन अजय यादव जी, आपने वो पोस्ट देखा जो ज्वाहर यादव जी ने शेयर किया था सोशल मीडिया पर? देखिए ज्वाहर यादव जी मेरे छोटे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि ये ओएसडी भी हैं, रह चुके हैं मुख्यमंत्री के और काफी इस वक्त भी चेयरमैन हैं एक बोर्ड के। जो इन्होंने ये जो कार्टून लगाया था, मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में जब देश जो है ऐसे दौर से निकल रहा है कि लोग जो है महामारी फैल रही है कोविड-19 की और लोग भूखे सो रहे हैं, राशन आज तक जो है नहीं मिल पाया लोगों को, आज भी तनख्वाह नहीं मिल पाई कर्मचारियों को, और हालात ये हैं देश के कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई और ऐसे मौके पर ऐसे भड़काऊ कार्टून लगाना इनको शोभा नहीं देता है। मेरी इनसे यही विनती है कि उन्होंने अच्छा करा डिलीट कर दिया, लेकिन अगर कोई उनसे गलती होगी तो मान लेना चाहिए कि गलती होगी है। किसी धर्म या समाज के बारे में इस प्रकार की बात करना ये उचित नहीं है, ये मौका नहीं है। अब मौका देखिए, ये इन्होंने दिए भी जला दिए, इन्होंने जो है मोमबत्ती भी जलाई, लोगों ने इनकी बात मान ली, लेकिन फिर पटाखे भी बजा दिए। पटाखों से आपको पता है कि एक जगह कितनी भारी आग लग गई। तो मेरा ये कहना है कि ये लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें और लॉकडाउन है, लोगों को आराम से अपने घरों में रहने दें, ये अच्छी मेरा, बात मेरा है। मैं उत्तर देना चाहता हूँ, उत्तर देना और इनके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है अजय यादव जी, ज्वाहर यादव जी आप बताइए, अब तो कैप्टन अजय यादव जी ने भी कह दिया कि अच्छा किया डिलीट कर दी, लेकिन मान तो लीजिए गलती की है, जवाब दीजिए। मेरा उत्तर तो मैंने देना है, आपने अपने सब मुझे मेरे मुख में मटा दिए। एक तो अभी कैप्टन अजय यादव जी ने कहा कि इन्होंने पटाखे फोड़े, हमारे क्या देश के प्रधानमंत्री ने पटाखे फोड़ने का आह्वान किया था? फिर कोई भी पटाखा फोड़ देगा वो आप हमारे जुम्मे डाल देंगे, नंबर एक। नंबर दो, मेरे में क्या नाम है, बड़े भाई कह रहे हैं कि मैंने डिलीट की नहीं की, और ये कहते हैं कि ये मेरी असंवेदनशीलता है।
साहब असंवेदनशीलता तो वो होती है जब 5000 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसको असंवेदनशीलता कहते हैं। 5000 लोगों की हत्या कर दी जाए, 5000 लोगों की हत्या कर दी जाए, आप कीजिए राजीव गांधी की आलोचना, आप कीजिए। राजीव गांधी ने गंदा बयान दिया था, आप कहिए कि राजीव गांधी ने गंदा बयान दिया था, आपको माफी मांगनी चाहिए राजीव गांधी के बयान को, भारत रत्न वापस लेना चाहिए। मैं चाहूंगी आप इस वक्त इसी मुद्दे पर रहें, जिस बात की सफाई के लिए आपको कहा जा रहा है उस बात का आप जवाब दें। अगर आपको नहीं लगता कि कुछ भी बाधित था तो आपने पोस्ट को डिलीट क्यों किया? आप कहिए कि भारत रत्न वापस होना चाहिए राजीव गांधी को, 5000 लोगों की हत्या पे इतना ऐसा में बयान देता है। अरे जो दुनिया में नहीं है, चलिए ठीक है। जोहर यादव जी इस वक्त जो अहम सवाल है वो ये है, एक बार सुन लीजिए, इस वक्त जो अहम सवाल है इसी मुद्दे पर रहिए। बात ये है कि आपने इतना विवादित पोस्ट किया जिसको आप मान नहीं रहे कि उसमें कोई आपत्ति थी, पहली बात। दूसरी बात, लगातार आपसे हम यही पूछ रहे हैं कि अगर उसमें कोई विवादित कुछ विवादित नहीं था, कुछ आपत्तिजनक आपको नहीं लग रहा था, आप नहीं मान रहे, तो आपने उस पोस्ट को डिलीट क्यों किया, एक बार ये तो बता दीजिए। अरे ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, इसमें आप अपने फेसबुक पे क्या डिलीट करती हैं क्या नहीं करती, कभी मैंने पूछा है क्या आपसे? पवन, मेरे जीवन, पवन जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, पवन क्या आपको नहीं लगता कि ये इतने जिम्मेदार पद पर हैं इस वक्त और लगातार देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, एक झूठा का संदेश दे रहे हैं? ऐसे में जो विवादित पोस्ट इनकी तरफ से करके डिलीट किया गया है उस पर अब ये सफाई भी देने को तैयार नहीं, क्या कहेंगे पवन? ये बताइए, पहले विवादित पोस्ट था क्या वो मैं समझना चाहता हूँ। जवाहर जी, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपने क्या फेसबुक पर कौन सा कार्टून और शेयर किया था, और ऊपर उसकी लाइन जो आपने टैगलाइन लिखी थी वो आपकी टैगलाइन क्या थी। सर आप समझिए इस बात को, आपका पोस्ट है इसीलिए उसकी चर्चा हो रही है। अगर किसी सामान्य आदमी का कोई वो पोस्ट नहीं है सर, आप मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, तो आपके पोस्ट पे चर्चा होगी ना सर। आप कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत थोड़ा ही सर, वो आपका पेज है, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस पर अपनी फोटो लगाई हुई है, मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी फोटो लगी हुई है, तो वो आप सर जिम्मेदार व्यक्ति है। मेरा निवेदन ये है, मुझे उसमें विवादित था क्या, मैं अब तक वो नहीं समझ पा रहा, मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा अगर कुछ लगा होगा तो। नहीं जोहर यादव जी, आप क्या चाहते हैं कि हम आपकी पोस्ट को सार्वजनिक तौर पर दिखाएं, क्योंकि इतनी विवादित पोस्ट हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। अरे मुझे समझा तो दीजिए कि मैंने क्या किया है, मैं वो मान लेता हूँ ना। सर मतलब आप नहीं मानेंगे कि कुछ विवादित उसमें था, आपसे कई सवाल है पूछने को, लेकिन आप तो पहले ही जवाब, पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप कह रहे हैं कुछ विवादित नहीं था। जवाहर जी, आपने लिखा है इस कार्टून पर मुझे कुछ नहीं बोलना, आपने लिखा है मुझे कुछ नहीं बोलना, आप बोलना चाहो तो बोलो, इसका मतलब बता दीजिए सर। इसका मतलब ये कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, आप करना चाहो तो करो, बड़ी सिंपल बात है। सर जब आपको टिप्पणी नहीं करनी, जब आप उस कार्टून के बारे में कुछ विचार ही नहीं रखते हैं, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां पर, सर एक सेकंड, सर सुनिए, आप एक कम्युनिटी को लेकर के वो विवादित पोस्ट वहां पर शेयर कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको डिलीट कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो कुछ विवादित किया ही नहीं। एक मिनट, मैं एक उत्तर ले लीजिए जी। कितनी छोटी मानसिकता है, आप उसमें किसी कम्युनिटी को ढूंढ रहे हैं, कैसे संपत्ति एकता फैलाने लगे आप लोग? सर आपको क्या लगता है जो कार्टून आपने शेयर किया, सवाल आपसे हो रहे हैं सर, आपने क्या लिखा है और क्या पोस्ट किया है? आप अपनी मानसिकता ठीक कीजिए, उसमें किसी संप्रदाय को ढूंढने लगे सर, भी संप्रदायिकता फैलाने लगे। चलिए सर ठीक है, क्या तरीका आपका ढूंढने का? आपने वो पोस्ट शेयर क्यों किया, आपके दिमाग में उस वक्त क्या विचार चल रहे थे जिस वक्त आपने वो पोस्ट शेयर किया? अरे एक कार्टून था जिसमें किसी ने क्या बना हुआ था, वो मैंने शेयर कर दिया, पर मुझे लगा मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी, मैंने शेयर कर दिया। सर जिसने, आप क्या ढूंढना चाहते हो मैं नहीं समझ पा रहा। सर मतलब आपने, आप तय करके आए हैं, जैसे आपने टैग लाइन दी कि मुझे इस कार्टून के बारे में कुछ नहीं बोलना, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, आप तय करके आए हैं कि आप जनता टीवी पर अगर जुड़ेंगे या किसी भी माध्यम से आप जुड़ते हैं, आपसे जब इसका जवाब मांगा जाएगा आप जवाब नहीं देंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे एक लाइन बोलने का परमिशन दे दीजिए। बिल्कुल सर, हम तो सुनना चाह रहे हैं, आप बोलिए। मेरे तो पैरों की जमीन खिसक गई कि आप उसमें किसी संप्रदाय को ढूंढ रहे हैं, कितना छोटे स्तर पर चले गए आप। अच्छा जवाहर जी, आपकी पैरों की जमीन तब नहीं किस जब आप इस पोस्ट को शेयर कर रहे थे और ये लिख रहे थे नहीं, मुझे मैंने तो किसी बोलना, के लिए आपको नहीं कुछ बोलने तो बोली, तब आपने अपने आपके पैरों वाली जमीन का क्या हुआ सर, तब वो खिसकी नहीं आपकी, आपने पोस्ट किया तब हमें इसको चलाना पड़ा है ना।
मैंने जब आपने पोस्ट किया सर तब हम इसको चला रहे हैं, अगर आपने पोस्ट ही ना किया होता तो हमें किस लिए चलाना था ये? अरे तो मैंने किसी संप्रदाय के लिए क्या कह दिया उसमें, वो तो वही तो समझना चाहता हूँ कि आप कितना नीचे जाके सोचते, मैं वो समझना चाह रहा हूँ आप उसमें। तो फिर अगर आप कैसे रहे हो मैं संप्रदाय पे नहीं जाते तो आपने ये किस लिए लिखा कि मुझे कुछ नहीं कहना आपको कुछ कहने हैं तो आप सही हो किस संदर्भ में लिखा गया? ये मेरी बोलने की कहने की स्वतंत्रता के नाते मुझे मेरे भारत के संविधान ने अधिकार दे रखा है। सर आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसके साथ आप इस वक्त एक जिम्मेदार पद पर हैं, और अगर आपसे इस चीज का जवाब मांगा जा रहा है क्योंकि पोस्ट डिलीट करने से, सर एक सेकंड, पोस्ट डिलीट करने से कुछ नहीं होता, जिन लोगों तक वो पोस्ट पहुंचनी थी, जिन लोगों ने देखनी थी वो देख चुके हैं उस पोस्ट को। पहले तो आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि आपने उस पोस्ट को शेयर क्यों किया, उसके बाद आप इस बात पर अड़े कि कुछ उसमें विवादित नहीं था, फिर आप उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तो मेरा निजी मामला है मैं कोई पोस्ट शेयर करूं या डिलीट करूं। ये कुछ जिन लोगों तक पहुंचनी थी वो मैं जानना चाहता हूँ, किन लोगों तक पहुंचनी थी वो जो सर सबने देख, सब देख चुके हैं सर, हम तक पहुंच चुके हैं, हमने देख ली वो पोस्ट, हमें विवादित वो लगा। सर जो सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़े हुए हैं हम उनकी बात करें, उस प्लेटफॉर्म पे जो आपसे जुड़े हुए हैं उन्होंने देख ली ना इस पोस्ट को। हाँ तो अच्छी बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए अब आपने अच्छी बात, अच्छा आप ये बता दीजिए सर, आप ये बता दीजिए कि आपने ये पोस्ट खुद शेयर की थी और आपने ये टैगलाइन लिखी है कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता आप कुछ बोलिए, ये खुद आपने ही शेयर की थी? भाई ये जो बेसिकली क्या है, आप मुझे पहले इसमें ये बता दीजिए आपत्तिजनक क्या, ये तो बात के प्रश्नों का उत्तर है सर। अब तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है, उसमें भी आप हमसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, आप ये तो बता दीजिए आपने शेयर की थी या नहीं। आपने कहा जी मैंने एक पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट की, मुझे आपत्ति तो समझ में आ जाए, पहले मैं जान तो लूं अगर मुझसे गलती होगी माफी। सर हम आपकी, सर हम बता देंगे क्या आपत्तिजनक आपने किया क्योंकि आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आप ये तो बता दीजिए जो पवन आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने वो पोस्ट आपने ये पोस्ट शेयर की थी, आपने ये लाइन लिखी थी कि मैं पवन जी पहले मैं ये कुछ नहीं बोलना चाहता आप कुछ बोलना है तो बोलिए, ये आपने शेयर की थी सर? पवन जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं पहले देखिए मैं ईमानदारी से समझना चाहता हूँ उसमें आपत्तिजनक क्या, मैं जानना चाहता हूँ। अब मेरा छोटा भाई मुझे समझाए जो इतना सीनियर पत्रकार है कि उसमें कुछ आपत्तिजनक था, मैं समझ लूंगा मेरी समझ में आएगा, आप समझा दो तो एक बार क्या आपत्तिजनक था, ये तो मेरा भी अंदाजा है। ये तो बता दीजिए सर कि मैंने ही शेयर की थी ये पोस्ट, ये यार आप बता, मैंने की नहीं कि मेरे पेज पे थी ना पवन, मैंने पवन है, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रीतपाल सांगवान जो कि एसीपी हैं क्राइम ब्रांच से, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। प्रीतपाल सांगवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी थैंक यू जी। बीजेपी नेता जवाहर यादव जी ने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट को काफी ज्यादा संवेदनहीन कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय उसमें नहीं दिया, धार्मिक तौर पर वो पोस्ट आपत्तिजनक है, आप क्या कहेंगे सर? अभी मैंने मैम वो देखी नहीं है कौन सी पोस्ट है और उसके बारे में बगैर देखे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, उसको चेक करके क्या है उसके बाद ही कह पाऊंगा जी। सर पवन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी पवन आप कुछ सवाल करना चाहें। सांगवान सर सोशल मीडिया पर किस किस तरह की प्रचार और किस किस तरह की शेयरिंग पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपने पिछले दिनों में अलग अलग मामलों में जो कार्रवाई की है किस तरीके का कोई इस वक्त कोई क्या प्रचार कर सकता है, क्या किस तरह की कोई पोस्ट शेयर कर सकता है, ये क्या कोई गाइडलाइन क्या है सर? नहीं उसमें कोई भी भ्रामक तौर पे झूठी अफवाहें फैलाता है, कोई आदमी कोई आपस में धार्मिक भावनाओं को एक दूसरे से भटकाने की कोशिश करता है या बगैर आधार की कोई चीज को अगर प्रचारित करता है वो, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। पिछले दौर में हमने कई मामले भी दर्ज किए हैं, उनको अरेस्ट भी किया है और आगे भी हम सोशल मीडिया पे नजर बनाए हुए हैं, कोई भी आदमी अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिसने जहां भी अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है जिससे धार्मिक भावनाओं को किसी को अपमानित किया जाता है उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक कह रहे हैं। अब आप मैं पवन जी ये जानना चाहता हूँ उसमें आपत्तिजनक था क्या जो उसके कारण आपको उसमें, मैं ये देखना चाहता हूँ आपने उसमें कोई संप्रदाय कैसे ढूंढ लिया जो मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी तक। आप सर वो पोस्ट जो है वो शेयर करिए तो आपने किस किस, अरे यार वो छोड़ो ना, आपने मेरी पोस्ट बता दीजिए ना कि क्या आपने मेरी पोस्ट को करना पड़ा। अरे देखो आप उल्टा, आपने मेरी किसी पोस्ट को आपत्तिजनक कहा, मुझसे उत्तर लेते वक्त ये तो बताएंगे मेरे भाई कि इस पोस्ट में ये आपत्तिजनक था। सर ठीक है, प्रीतपाल सांगवान जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाहर यादव जी आपने सुना प्रीतपाल सांगवान जी कह रहे थे कि अगर कोई धार्मिक तौर पर किसी को अपमानित करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैं भी सहमत हूँ उनसे, सांगवान साहब से।
तो आप ये मानते हैं आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? अरे मैं समझना चाह रहा हूँ, देखो आप इतने बुद्धिजीवी लोग हो तो बुद्धिजीवी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने कोई पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट कर दी, तो मुझे ये तो बताएंगे किसी को सजा देने से पहले इसका गुनाह तो भारत का संविधान भी कहता है, मुझे बता दो तो आपत्तिजनक क्या है? हम सजा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपसे आप मेरी पोस्ट को आपत्तिजनक बता रहे हो, ये सजा नहीं है क्या मेरे लिए? सर हमें लग रही है ना वो आपको इस कोरोना सर पूरा देश इस वक्त इस महामारी से जूझ रहा है, लगातार प्रदेश सरकार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है देश को कैसे बचाएं, लगातार कोशिशों में जुटी है, देश से आह्वान किया जा रहा है, एकजुटता का संदेश देने के लिए कहा जा रहा है और आप इस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं, थोड़ी बात ही नहीं है, आप विषय से भाग रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे पोस्ट, ठीक है जवाहर यादव जी, जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी इस वक्त जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, उनका जवाब आप देंगे ना, एक बार शांत हो जाइए जी। जवाहर यादव जी, शशि रंजन बोल रहा हूँ जी, बोलिए सर। फेसबुक पर सोशल मीडिया आप, मैं तब से सुन रहा था, मैं चैनल पे आना नहीं चाहता था, विवश होकर के मुझे आना पड़ा है। स्वागत आपका। आपके जैसा समझदार आदमी एक कार्टून लगाता है जिस कार्टून को हम लोग ब्लर करके चला रहे हैं और आप उससे उस कार्टून को आप लगाते हैं, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता हूं कि वो कार्टून क्या है, और नियम कानून और आपकी सरकार है जवाहर जी, तो ये मत सिखाइएगा कि बाकी सारे लोग दुनिया में जाहिल है। आप एक कार्टून लगाते हैं, उस कार्टून को जनता टीवी पे हम चलाते हैं लेकिन ब्लर करके चलाते हैं, और आप उस पर क्या लिखते हैं, इस कार्टून पर मुझे कुछ नहीं बोलना, आप बोलना चाहो तो बोलो, मतलब आपकी सरकार है, आप मोदी जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे सर आप इसे पे आइए ना, माननीय मोदी जी को आप इसे पे आइए, मुझसे क्वेश्चन कीजिए ना। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे जवाहर जी, आप मोदी जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं? अरे देखो आप, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि आप किस विषय पे चर्चा, मैं जो सवाल कर रहा हूँ जवाहर जी, आप ये बताइए मोदी जी को मानते हैं नहीं मानते हैं? आप पूरा देश मानता क्या मोदी जी ने कहा, आप क्या ये आग भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? आप कौन सी आग, आप अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार, मैं तब से ये देख रहा हूँ कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया, बताइए क्या गलत किया, क्या बात करते हैं बताइए, समझदार आपके जैसा समझदार आदमी पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है आपके खिलाफ, मुझे ताज्जुब इस बात पर है। अरे सर आप कोर्ट चले जाइए, आपको अगर कोर्ट क्या चले जाइए, सरकार आपके क्यों कोर्ट चले जाएंगे, सरकार आप चले जाइए सर, पुलिस को तो आपके खिलाफ एक्शन लेना था, मेरा कसूर नहीं बता पा रहे हो, आपको जेल में बंद करना चाहिए, मेरा कसूर नहीं बता पा रहे हैं, आप एक आपत्तिजनक, आप पॉलिटिक्स में होकर के सीएम के करीबी हैं, आप सीएम के, सुनिए मेरी बात, आप सीएम के करीबी हैं और आप ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट कैसे कर सकते हैं? तो आज अब मेरा निवेदन है, मेरा उत्तर ले लीजिए बिल्कुल आग्रह के साथ। मैं अपने मित्र से, मीडिया के जगत के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति से, जिनको मैं बड़ा भाई भी मानता हूँ, उनसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसमें आपत्तिजनक क्या है। अगर कुछ आपत्तिजनक, अगर आपत्तिजनक कुछ होगा या तो बताएंगे, देखिए और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ सर, आप इधर उधर विषय को नहीं करेंगे, आपको बताएंगे मैंने आपत्तिजनक क्या। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि मैं उस पूरे कार्टून को ब्लर करके चला रहा हूँ इसलिए कि मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता हूँ, आपने जो कार्टून पोस्ट किया है वो सही है क्या? सर क्या किया मैं वो जानना चाह रहा हूँ, जो आपको गलत लगा। आपने क्या किया आपको पता है? मैंने तो ब्लर कर दिया, मुझे पता तो भी मेरे शब्दों का, अगर आपको लगता है मुझे पता है तो मेरे शब्दों का मान कीजिए कि आप उसमें गलत ढूंढ रहे हैं, मैंने कहीं किसी भी मानसिकता से कहीं मैंने उसमें गलत नहीं कहा, आप उसमें गलत चीज ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे शब्दों को सम्मान नहीं, आपको आपको ठीक नहीं लगता है, आपको उसमें कुछ भी, उस कार्टून में कुछ भी गलत नहीं लगा? अरे मैं वो समझना चाह रहा हूँ, उससे मैं नहीं समझ पा रहा, आप समझदार हो आप मुझे समझा दो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे आप खूब समझते हैं जवाहर यादव, आप खूब समझते हैं और आप खूब समझते हैं इसलिए आप पोस्ट कर रहे हैं, खूब समझते हैं इसलिए ऐसा मतलब पोस्ट कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है सरकार पर और पुलिस पर कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक। और सर कार्रवाई, अगर मेरा पोस्ट गलत होगा तो FIR होगी। क्यों होगी कार्रवाई सर, सरकार आपकी है ना? अरे सरकार आपकी है, क्यों कार्रवाई होगी? यही मानसिकता देखिए, मैं यही मानसिकता लेके आना चाह रहा था, कार्रवाई करेगी सरकार आपकी, कोई दूसरा ये पोस्ट मुझे भी देखे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, कोई दूसरा ये पोस्ट करके देख रहे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। आप क्या नफरत फैलाना चाहते हैं जवाहर यादव जी, आप क्या समाज को नफरत फैलाना चाहते हैं? ये वक्त है जब भाईचारा फैलाना चाहिए, ये वक्त है जब भाईचारा,
अब आप बोलने नहीं देंगे प्रधानमंत्री, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, मैं बहुत देर से आपको चैनल पे सुन रहा था। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं बड़ी बीमारी से संघर्ष किया जाए। एहसान कर रहे हो क्या शशि जी? आपने मुझे छोड़ा इसलिए मुझे सुन रहे हो, नहीं जोड़ते तो कैसे सुन लेते? एहसान तो हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी दावे कर रही है। बोलिए बोलिए बोलिए, एहसान मार रहे हो क्या? मुझे जोड़ रखा है, आपने जोड़ा इसलिए मैं हूँ कह रहे हैं। जोड़ा इसलिए सुनने के लिए जोड़ा। अरे जोड़ा हजार बार जोड़ेंगे जोहर यादव आपको, हजार बार जोड़ेंगे जोहर जी आप पब्लिक फिगर है इसलिए जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। अरे सर मेरा सुन लीजिए एक बार, मेरा निवेदन है एक लाइन मुझे भी सुन लीजिए। देखिए शशि रंजन जी ये कह रहे हैं, एक देखिए शशि रंजन जी ये कह रहे हैं कि इस पोस्ट पे एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पुलिस इनकी है, तो यही तो पूर्वाग्रह है कि इनको ना पुलिस पर विश्वास है और ना इनको भारत की न्यायपालिका पर विश्वास है। तो जब आपको अगर भारत की न्यायपालिका पुलिस पर ही विश्वास नहीं है तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर देना भी मुझे लगता है बेमानी। सुन लिया मैंने एक लाइन सुन ली बात आपकी, अब मेरे सवाल का जवाब देंगे। छोटे छोटे सवाल है, ये पोस्ट है अभी आपके फेसबुक पर या डिलीट कर दिया आपने? नहीं मैंने वापस लिए, वापस लिए मैंने, मतलब डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया सर, अगर कुछ गड़बड़ नहीं था तो? क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो इसमें सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं, जो समाज में इतने अच्छे ढंग से चल रहा है उसमें जहर फैलाना चाहते हैं। जोहर जी, जोहर जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत आपको होशियार भी मानता हूँ, और मुझे उम्मीद कम से कम आपसे नहीं थी कि इस वक्त जब पूरा हिंदुस्तान सबको पता है क्या हो रहा है, जमात की वजह से कितनी चीजें बढ़ गई क्या हुआ, लेकिन पूरा हिंदुस्तान एक मुस्त होकर करके इस बड़ी समस्या से लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, और उस बीच में आपके जैसा एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति, छोड़ दीजिए आप बीजेपी से, छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री को एसडी रहे और क्या रहे नहीं रहे, छोड़ दीजिए वो सारी बातें, जवाहर यादव एज एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति के तौर पर आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक उत्तर दे दूं जी एक लाइन का जी, इसमें हमारी और आपकी डिबेट में बीच में आपने किसी का नाम लिया, इसमें जमात कहां से आ गई? क्या आपने, आप क्यों किस समाज में जहर घोलना चाहते हैं, इसमें जमात कहां से आ गई? मैंने तो जमात का यादव जी ऐसा मत समझिएगा, मुझे लगता है अपने विचारों में आप सबसे होशियार आदमी है दुनिया, एक मिनट, ऐसा मत समझिएगा कि दुनिया में सबसे होशियार आदमी आप है और बाकी सब लोग बेवकूफ है। अरे मैं तो अगर ये बात सही था, अरे छोड़ लीजिए ना, काहे को मैं उचार हूँ, अगर ये बात सही था तो आपने फेसबुक से क्यों विड्रॉ कर दिया? अरे सर ये मेरा अधिकार है, सही था आप बात सही था तो क्यों विड्रॉ कर दिया आपने? सर ये मेरा अधिकार है, अब अधिकार है तो बहुत है ना अधिकार सर, आप जोड़ करके, अरे सर मेरे मौलिक अधिकार आप जोड़ करके आपसे विनम्र निवेदन है, आप जोड़ करके जवाहर यादव आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनम्र अधिकार है। मैं काफी देर से सुन रहा था इसमें क्या आपत्ति है क्या आपत्ति है, हाथ जोड़ करके आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर आपका पैर छूके, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रहा है, कृपया इसमें एक दूसरा आग फैलाने की कोशिश मत कीजिए, हाथ जोड़ के एक लाइन में पैर भी छूकर आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, एक लाइन मुझे भी बोलने दीजिए फिर, मेरा भी आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप मेरे बड़े हैं इसलिए मैं भी आपको चरण स्पर्श करते कहता हूँ कि आप जो चीज किसी चीज में नहीं है समाज को ठीक से रहने दीजिए, उसमें सांप्रदायिकता का जहर ना घोले, उसमें कोई सांप्रदायिक चीज कोई है नहीं उसको ना ढूंढे, अपने शब्दों को मेरे मुंह में ना डालें, ये मेरा आपसे चरण स्पर्श करते हुए मेरा नम्र निवेदन है। मैंने जो ये हम लोगों ने जनता टीवी पे जो चलाया इसको हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पर आपने विड्रॉ किया इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत क्योंकि आपने जहर फैलाना है, आपने मानसिकता ढूंढनी है, आपने मीडिया में है ना सर, हम मीडिया में हमारा काम है, हमारा काम है वॉच टॉक, हमारा काम है जवाहर यादव जी हम सुन लीजिए, हमारा काम है वॉच टॉक का, आपने कोई भी आदमी इस तरीके से जहर फैलाएगा इसकी ये हमारा काम है सर, वॉच टॉक का काम है सब पे नजर रखना, ये मत समझिए कि कुछ पोस्ट कर करके आप नफरत फैला देंगे और छूटे हुए चले जाएंगे, और आप ये दिखाइए सबको दिखाइए, अगर गलत किया है तो बताइए, और अगर गलत किया आपने वापस ले लिया तो बहुत अच्छा किया आपने, हम अपने एजेंडे पे काम करेंगे,
आप ये कह रहे हैं आप एजेंडे पे काम कीजिए, देश को तोड़ने वाला नहीं, अपने एजेंडे पे काम करें, तोड़ने वाले एजेंडे पे तो हर यादव की काम मत कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वापस ले लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी ध्यान रखिएगा सर कि इस तरह का कोई पोस्ट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया गौर यादव जी, समाज में ध्यान मत बोलिए, आपने ले लिया वापस, यही बहुत अच्छी बात है। ध्यान नहीं खोलना चाहिए, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप इतने। अरे ये काम आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हरियाणा देख रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा आपके किसी समाज से क्या आपत्ति है, आप किसी संप्रदाय को क्यों अपमानित करने पे तुल गए, आपका क्या दिखा रहा है समाज में, आपको नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाएगा। बेहद आपत्तिजनक पोस्ट ये बीजेपी नेता जवाहर यादव की तरफ से किया गया है, लेकिन अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे तमाम सवाल किए, लेकिन जवाब देने को फिलहाल वो तैयार नहीं है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या बीजेपी नेता जवाहर यादव पर कुछ कार्रवाई अब की जाएगी।